स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में टाइगर श्रॉफ विलन को कैसे चटाएंगे धूल। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के एक्शन सीन्स को बागी 2 की तर्ज पर क्यों बनाया जा रहा है। कुछ कुछ होता है कि तर्ज पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को क्यों बनाया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, सुपरस्टार टाइगर श्रॉफ ने जब से हिंदी सिनेमा में कदम रखा है, उन्होंने अपनी हर फिल्मों में दर्शकों को खूब एंटरटेन किया है और वो आज बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जो स्टंट और एक्शन के मामले में सबसे मशहूर है। जब उनकी बागी फिल्म आई थी तो आप लोगों ने देखा होगा उनके एक्शन और स्टंट की वजह से वो काफी पॉपुलर हुए थे, जिसके बाद लोगों का मानना था कि वो अपने एक्शन को और दमदार बनाने के लिए अपने शरीर पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और जिसके बाद बागी 2 में उनकी फिजिक हमें काफी बेहतरीन दिखाई दी, जिसके बाद उन्होंने फिल्म में ऐसे ऐसे एक्शंस किए जो वाकई चौंकाने वाले थे। दोस्तों, वही स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए भी टाइगर श्रॉफ काफी मेहनत कर रहे हैं, तो वही करण जौहर भी अपनी सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है कि तर्ज पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को बना रहे हैं। उन्होंने कुछ कुछ होता है कि कुछ इमोशनल सीन्स को स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में रिक्रिएट किया है, लेकिन ये सीन्स कितने पॉपुलर होते हैं और फिल्म को फ्लॉप बनाते हैं या फिर फिल्म को सुपरहिट बनाते हैं, ये तो रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टाइगर श्रॉफ मार्शल आर्ट में भी मशहूर है और जिसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड के स्टंट का बादशाह कहा जाता है। और फिल्में तो छोड़िए, वो अपनी रियल लाइफ में भी कई बार एक्शन करते दिखाई दिए हैं, जिसका प्रमाण उनकी सोशल मीडिया पर वायरल हुई वीडियोस। तो वहीं स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में उनके जबरदस्त एक्शन स्टंट सीन रखे गए हैं, जिसमें वो विलन से जबरदस्त टक्कर लेते दिखाई देंगे। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 एक एक्शन रोमांटिक फिल्म होगी। तो दोस्तों, आप फिल्म को लेकर कितना एक्साइटेड हैं और आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म 500 करोड़ के क्लब में एंट्री ले पाएगी या नहीं? अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।